हेलो एवरीवन, मैं विनय प्रसाद, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन। यूजिंग फॉरवर्ड पास हम कैसे अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन प्रोजेक्ट नेटवर्क्स, बेसिक रूल्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट नेटवर्क्स। इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको ऊपर में एक आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट है वहाँ पर भी जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके जो भी फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन के बारे में, जहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन लिया था और उस क्वेश्चन की मदद से हमने नेटवर्क डायग्राम क्रिएट किया था, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पर एक्टिविटी दिया और प्रीडेसेसर दिया हुआ है, यूजिंग दिस आपको प्रिपेयर करना है नेटवर्क डायग्राम। तो देखिए, हम जो यहां पर यूज कर रहे हैं वो है एक्टिविटी और नोड नेटवर्क, उसकी मदद से हम यहां पर नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्टिविटी और नोड नेटवर्क की मदद से कैसे नेटवर्क डायग्राम प्रिपेयर किया था अगर वो नहीं आता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा पहला पार्ट का जो वीडियो उसको जरूर देखें। तो देखिए, यहां पर जो भी एक्टिविटी हम उसको एक नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक्टिविटी जो हमारा यहां पर ए है उसका कोई प्रीडेसेसर नहीं है, तो हमने यहां पर एक्टिविटी ए बनाया। देखिए, ये जो आपका स्क्वायर बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नोड, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी ए हो गया। उसके बाद देखिए, हमारे पास एक्टिविटी बी है, उसका प्रीडेसेसर ए है, तो एक्टिविटी ए से एरो निकलेगा और यहाँ पर हमारा एक्टिविटी बी आ गया। तो एक्टिविटी बी आपका क्या हो गया, ए का सक्सेसर हो गया, और एक्टिविटी ए आपका बी का प्रीडेसेसर हो गया। तो ये वाला भी जो हमारा क्राइटेरिया था वो यहाँ पर हमने सेटिस्फाई किया। अब देखिए, एक्टिविटी सी का प्रीडेसेसर है बी, तो बी से एक एरो निकला, उसके बाद आपका क्या आएगा, एक्टिविटी आपका सी आ गया। उसके बाद देखिए, आपका एक्टिविटी जो डी है उसका प्रीडेसेसर क्या है, आपका सी है, तो सी से एक एरो निकला, फिर आपका एक्टिविटी डी आ गया। फिर देखिए, यहाँ पर आपका एक्टिविटी ई है, उसका प्रीडेसेसर भी क्या है, सी, तो सी से हमारा एक और एरो निकला, वहाँ पर एक्टिविटी ई आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, एक्टिविटी एफ, उसका भी प्रीडेसेसर आपका सी है, तो सी से भी हमारा क्या होगा, एक एरो निकलेगा और यहाँ पर हमारा एक्टिविटी एफ आ गया। फिर देखिए, फाइनली हमारा एक एक्टिविटी जी है जो कि आपका एक मर्ज एक्टिविटी है, जहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि उसके जो प्रीडेसेसर है वो है डी ई एफ, तो डी से भी हमारा एक एरो आएगा, ई से भी हमारा एक एरो आएगा, एफ से भी हमारा एक एरो आएगा, और फाइनली हमारा एक एक्टिविटी जी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हमने नेटवर्क डायग्राम क्रिएट कर लिया, फाइन। देखिए, हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है नेटवर्क डायग्राम। अब हमें सपोज कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम सारे एक्टिविटी का यूजिंग फॉरवर्ड पास, ठीक है। और वहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि एक टेबल दिया हुआ रहेगा जहाँ पर आपके सारे एक्टिविटी का ड्यूरेशन दिया रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। देखिए, ये हमारा टेबल दिया हुआ है, एक्टिविटी लिखा हुआ है, प्रीडेसेसर लिखा हुआ है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में 2 डेज लग रहा है, एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने में 4 डेज लग रहा है। तो इस टेबल की मदद से हम कैसे अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करेंगे सारे एक्टिविटी का यूजिंग फॉरवर्ड पास। तो देखिए, हमारा नेटवर्क डायग्राम कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा और उस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर हम एक लेजेंड जो कि एक नोटेशन हम यूज़ करेंगे इस नेटवर्क डायग्राम में, तो इस आपको लेजेंड को ध्यान रखना है, और आई वुड से आप इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको ये रिमेम्बर रख सकते हैं आप। तो देखिए, हमारा एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में छोटे छोटे 6 सब बॉक्सेस हैं, ठीक है। ई एस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट को, ये आई डी जो हो गया ना आपका, ये आई डी आपका बेसिकली एक्टिविटी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर अगर मान लो एक्टिविटी ए है, तो हम यहाँ पर आई डी की जगह पर ए लिखेंगे। ये आपका अर्लीस्ट फिनिश हो गया, ये आपका लेटेस्ट स्टार्ट हो गया, ये आपका ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ डेज में यहाँ पर हम वो लिखेंगे, और ये आपका लेटेस्ट फिनिश हो गया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश के बारे में यूजिंग फॉरवर्ड पास। तो अब हम इस नोटेशन का, इस जो हमारा लेजेंड दिया उसको हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। तो देखिए, हमारा टेबल ये था जहाँ पर आपका एक्टिविटी दिया हुआ, प्रीडेसेसर दिया, ड्यूरेशन दिया हुआ, ये हमारा नेटवर्क डायग्राम हमने क्रिएट किया था, और इस लेजेंड का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अंदर में आपका 6 बॉक्सेस दिए हुए हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, अर्लीस्ट फिनिश दिया हुआ है, लेटेस्ट स्टार्ट, ड्यूरेशन एंड लेटेस्ट फिनिश दिया हुआ है। तो ये जो हमारा बॉक्स है, और आई वुड से ये जो हमारा नोटेशन और लेजेंड है, उसको हम कैसे यूज करेंगे नेटवर्क डायग्राम में। तो देखिए, ये जितने भी नोड दिए हुए हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिविटीज दिए हुए, और ये स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हैं, तो ये क्या आपका नोड है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग नोड। तो ये जितने भी नोड है हम उसको रिप्लेस कर देंगे इस बॉक्स से। देखिए कैसा अब हमारा नेटवर्क डायग्राम लगेगा। तो देखिए, ए को हमने जो ये जो हमारा बॉक्स था, और आई वुड से ये जो हमारा नोड था, उसको हमने रिप्लेस कर दिया इस बॉक्स से।
तो देखिए हमने यहाँ पर आईडी की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है। तो हमारा एक्टिविटी ए है तो हम आईडी की जगह पे ए हमने लिख दिया। ये ड्यूरेशन की जगह पे हम यहाँ पर टू लिख दिए, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश हमें कैलकुलेट करना है, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश भी हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया कि इस पर्टिकुलर नोड को हमने एक ऐसे बॉक्स से और आई वुड से ऐसा नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पर हमारे सिक्स अंदर में सब बॉक्सेस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम उसी तरह बी का जो हमारा एक्टिविटी है और ये जो नोड है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इसी टाइप के बॉक्स से। तो देखिए हमारे यहाँ से एक एरो निकला, फिर हमारा एक्टिविटी बी के लिए हमने ये बॉक्स क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर हमने आईडी की जगह पे बी लिख दिया है और यहाँ पर ड्यूरेशन की जगह पे फोर डेज जो है वो फोर डेज हमने लिख दिया। उसी तरह हम सी के लिए करेंगे। तो देखिए सी हमारा यहाँ पर एक्टिविटी सी है और आईडी की जगह पे हमने सी लिखा है और यहाँ देखिए ड्यूरेशन आपका टू डेज दिया हुआ तो हमने यहाँ पर टू लिख दिया, ठीक है। उसी तरह हम फिर डी के लिए करेंगे, फिर उसी तरह हम ई के लिए करेंगे, फिर एफ एंड फाइनली हमारा जो लास्ट एक्टिविटी वो है जी। तो हमने क्या किया कि जितने भी ये जो नोड थे और ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम था उसके सारे एक्टिविटीज़ का जो ये बॉक्स आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसको हमने इस पर्टिकुलर नोटेशन और इस लेजेंड से रिप्लेस कर दिया जहाँ पर देखिए अंदर में सिक्स सब बॉक्सेस दिए हुए हैं और आईडी की जगह पर हम क्या रहे एक्टिविटी का जो नाम है और आई वुड से जिससे आप एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो वहाँ पर हमने वो लिखा, तो हमने ए लिख दिया। और उसके नीचे देखिए ड्यूरेशन है तो यहाँ पर हमने जो ड्यूरेशन दिया हुआ है यहाँ पर उस ड्यूरेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश यूजिंग फॉरवर्ड पास, वो हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमारा पहला एक्टिविटी क्या है ए है, ठीक है। तो जब हम फॉरवर्ड पास लगाते हैं तो हम बिगिन करते हैं और आई वुड से स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या अर्लीस्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका अर्लीस्ट फिनिश आएगा। तो अर्लीस्ट स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि हाउ सून कैन दी एक्टिविटी स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश का मतलब हो गया कि हाउ सून कैन दी एक्टिविटी फिनिश। तो देखिए जब हम फॉरवर्ड पास लगाते हैं तो हमारा जो पहला एक्टिविटी होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि उसका अर्लीस्ट स्टार्ट को जीरो लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा एक्टिविटी ए का उसको हम जीरो लेंगे और अर्लीस्ट फिनिश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अर्लीस्ट फिनिश को हम ई एफ से डिनोट कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट इसका क्या हो गया जीरो हो गया, इसमें हम प्लस टू कर देंगे तो हमारा अर्लीस्ट फिनिश मिल जाएगा। अब देखिए इसके बाद हमारा जो सक्सेसर एक्टिविटी क्या है बी है, ठीक है। तो बी का जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो अर्लीस्ट फिनिश जो ए का है वही आपका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा बी का, दैट मीन्स अर्लीस्ट फिनिश ऑफ ए विल बी इक्वल टू दी अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ बी। तो ये हमारा टू हो गया, इसमें हम प्लस फोर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अर्लीस्ट फिनिश ऑफ बी। फिर अर्लीस्ट फिनिश जो होगा बी का वही हमारा सी का अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सिक्स हो गया, इसमें हम प्लस टू ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये एट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है कि ई देखिए क्या है ई जो एक्टिविटी है उसका प्रीडेसर है सी, तो अब देखिए अर्लीस्ट जो हमारा फिनिश है सी का वही आपका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा ई का, ठीक है। तो ये भी आपका 8 हो गया, इसमें हम प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हमें पता चल जाएगा अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी ई। अब देखिए डी का भी हमारा क्या है प्रीडेसर सी है, तो अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी विल बी इक्वल टू दी अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी डी, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, इसमें हम प्लस 3 ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमें अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी डी, तो ये आपका 11 हो जाएगा। अब देखिए एफ का प्रीडेसर हमारा क्या है सी है, तो ये इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा एफ का इट विल बी इक्वल टू दी अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी सी, तो ये भी आपका 8 हो जाएगा, इसमें हम प्लस 4 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ। अब देखिए यहाँ थोड़ा कॉशस रहना होगा आपको। अब देखिए जो एक्टिविटी जी है उसका प्रीडेसर क्या है ई है डी है एंड एफ है, ये एक्टिविटी जी तभी कंप्लीट होगा जब आपके सारे एक्टिविटीज ई डी एफ मतलब इसके प्रीडेसर एक्टिविटी कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो उस केस में जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा जी का वो क्या होगा, वो होगा कि जो प्रीडेसर एक्टिविटी उस पर देखिए कि कौन से एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश सबसे बड़ा है। तो देखिए अर्लीस्ट फिनिश ई का 10 है डी का 11 है और एफ का 12 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी एफ वो क्या सबसे बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा जी का। बिकॉज अगर आप 10 लेंगे तो देखिए इसका अर्लीस्ट फिनिश ऑफ डी 11 है, इसका अर्लीस्ट फिनिश आपका 12 है, तो ये बाकी दो एक्टिविटी तो कंप्लीट हुए नहीं है ना,
क्योंकि एक्टिविटी जी तभी ना स्टार्ट होगा जब आपके बाकी जो उसके प्रीडेसेसर एक्टिविटी वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए मर्ज एक्टिविटी जहां भी रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, उसके जो प्रीडेसेसर एक्टिविटी उनका आप अर्लीस्ट फिनिश देखिए और उसमें से जिसका सबसे बड़ा अर्लीस्ट फिनिश होगा वही आपका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस पे देखिए जी का प्रीडेसेसर है ई डी एंड एफ, तो यहां पर देखिए अर्लीस्ट फिनिश आपका एफ का सबसे बड़ा है तो वही आपका अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा एक्टिविटी जी का। और फिर हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी जी विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन हमारा क्या हो जाएगा 17 डेज हो जाएगा। तो हमने यहां पर फॉरवर्ड पास कैसे अप्लाई किया जाता वो हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बैकवर्ड पास के बारे में, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फर्दर, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।